ये रही अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है। ये रही S5। ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो इसका ट्रेन नंबर है 14718 जो कि ट्रेन हैज डिपार्टेड और करंटली टाइम इज 4:30 6:40 मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी 1:54 आई डोंट इवन यस यू कैन सी इट। ठीक है और हम लोग पहुंच गए हिसार जंक्शन। हिसार जंक्शन वो पेड़ के पीछे छुप गया आगे जाके यहाँ लिखा देखो हिसार जंक्शन। ठीक है ये रही अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है और हम लोग कैसे पंकज हम लोग उस तरीके से आए ना मतलब हम बता नहीं सकते। ठीक है ना मतलब पता नहीं कितनी देर पहले लगी होगी। एनी आइडिया ना कोई आइडिया नहीं। ठीक है मतलब खाली दिख रही है क्यों यार मतलब जब मैंने देखा टिकट विकेट तो पूरा फुल थे ना पूरे ऑलमोस्ट सारी टिकट फुल थी यहाँ से हो सकता है। अनाउंसमेंट भी हो रही है धीरे धीरे। ये रही अपनी कोच ये रही S5 और अपर मेल है ना अपल बस। ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो इसका ट्रेन नंबर है 14718 जो कि हरिद्वार से बीकानेर के लिए चलती है हफ्ते में 3 दिन और हिसार से इसका टाइम है 1:55 15 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होता है फिर बीकानेर पहुँच जाओगे आप सुबह के 8 बजे के आसपास। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचाती है हमें। सामान ट्रेन हैज डिपार्टेड और आज मेरा सीट है साइड अपर 40 कोच S5 स्लीपर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मॉर्निंग 8 बजे तक पहुँचने की बात कही गई है और पंकज को बाय दे दिया अच्छा बिल्कुल नहीं लगा सो बस सुबह मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली रात को तो जाऊंगा नहीं ज़्यादा। गाइस द ट्रेन इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉल्ट दैट इज चुरू। हिसार से दूसरा स्टॉप है इस ट्रेन का। काफ़ी अंधेरा है गाइस एंटरिंग इनटू चुरू। चुरू ऑल्सो नोन एज गेट वे टू थार डेजर्ट करंटली टाइम इज 4:30। Is it visible? Yes, it's 6:40 morning and ये हाल है और departed from श्री दूनागढ़ 6:41 sharp by 7:10-7:20 आई थिंक वी विल रीच बीकानेर। आई हैव नोटिस्ड इन दिस ट्रेन इस ट्रेन में जो है RPF वाले 3 या 2 हैं और इस पूरे जर्नी के दौरान मेरे यहाँ से लोग वहाँ से 6 बार गुजरे मतलब सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे। ठीक है मतलब पक्का ये रूट थोड़ा सेफ नहीं होगा थोड़ा ज़्यादा नहीं मतलब चुरू सरदारपुर तक वाले रूट पे तो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ इसीलिए RPF दी गई यहाँ पे। अच्छा नॉट बैड ट्रेन रुकी आकर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अभी टाइम हो रहा है 7:55 मतलब कि 7:50 रख लो मेरी 5 मिनट पास तो ठीक है देख सकते हो हिसार से कितना टाइम लगा। अभी चलेंगे प्लेटफॉर्म वहाँ से निकलना है। रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन ये निकलने वाली है मुंबई के लिए और ये हमारा बीकानेर जंक्शन और सूरज निकल गया अच्छे से। ठीक है अभी एग्जिट लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। पापा आने वाले हैं लेने या आ चुके होंगे। सुबह से वापस यहीं पर खत्म करता हूँ तो काफ़ी खाना था दोस्तों और इसी तरह प्यार बनाए रखो एंड लव यू जय जय।